तो ऐसे आप फ्लिपकार्ट ऐप पे इतना दिन बाद भी आप प्रोडक्ट को रिटर्न करवा सकते हो आपका पॉलिसी खत्म होने के बाद भी, लेकिन और आपका लैपटॉप बिना टेक्नीशियन का रिप्लेसमेंट अप्रूव्ड हो जाता है। और आपके सामने मेरा लैपटॉप शट डाउन भी हुआ, तो आप ये प्रोसेस करके शट डाउन भी कर सकते हैं जिनके पास एसर 140। सो फैमिली वेलकम बैक आवर चैनल टेक 114। तो फैमिली ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और डिमांड वाला टॉपिक पे मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो गाइस, मैं जो कुछ महीना पहले एसर 114 लैपटॉप बाय किया था उसको कर दिया रिटर्न। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आप फ्लिपकार्ट से कोई भी लैपटॉप बाय करते हैं तो उसको आप कैसे रिटर्न कर सकते हो, क्योंकि गाइस अभी फ्लिपकार्ट पे रिटर्न पॉलिसी काफी ज्यादा चेंजेस हो चुकी है, जहां आपको आसानी से कॉस्टली प्रोडक्ट रिटर्न नहीं हो रहा है। और रही बात गाइस रिटर्न वर्ड, तो कहीं आपको देखने को मिलेगा ही नहीं फ्लिपकार्ट पे, रिप्लेसमेंट देखने को मिलेगा 7 डेज रिप्लेसमेंट, और वो 7 डेज रिप्लेसमेंट लेना भी मतलब इतना ज्यादा भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि फ्लिपकार्ट इतना ज्यादा पॉलिसी चेंज कर दिया कि आप सीधा सीधी कॉस्टली प्रोडक्ट को रिप्लेस भी नहीं कर सकते हो। तो पूरा बताऊंगा कि मैं कैसे 7 डेज के बाद भी मतलब 2.5 से 3 महीना लैपटॉप को यूज करने के बाद मैं उस लैपटॉप को रिटर्न किया हूँ, एसर 114 लैपटॉप को। और ये भी आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कैसे आप 6 से 7 महीना या साल भर के अंदर ब्रांड के थ्रू भी आप उस लैपटॉप का रिफंड ले सकते हो, इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो गाइस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो गाइस तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पूरा प्रोसेस बताने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ मैंने अपना एसर 114 लैपटॉप को रिटर्न किया हूँ। तो मैं कैसे पूरा प्रोसेस को फॉलो किया था मैं अपना बताऊंगा, और सेम प्रोसेस फॉलो आपको करना है तो आपको समझ में भी आएगा, एग्जांपल लेके बताऊंगा तो, और सेम प्रोसेस फॉलो करे हुए तो आपका भी हो जाएगा। तो गाइस बात ये है कि मैंने 30 सितंबर को ये लैपटॉप ऑर्डर किया था और 2 अक्टूबर को मुझे एसर 114 लैपटॉप डिलीवरी हो गया था। तो गाइज उसके बाद मुझे क्या था, वो लैपटॉप सब चीज ठीक था गाइज, लेकिन उस लैपटॉप में मुझे क्या इशू आ रहा था, स्क्रीन ब्लीडिंग का प्रॉब्लम आ रहा था। मतलब लैपटॉप का जो स्क्रीन का साइड एजेस होता था वहां पर मतलब व्हाइटनेस जैसा आता था जब भी ऑन होता था। तो मैं इसको रिलेटेड लेके फ्लिपकार्ट पे कंप्लेन किया 2 दिन बाद ही। तो फ्लिपकार्ट में कंप्लेन किया तो उन्होंने बताया क्या इश्यू है, तो मैं बताया कि लैपटॉप का जो स्क्रीन है उसमें स्क्रीन ब्लीडिंग का प्रॉब्लम है। तो उन्होंने मुझे इमेजेस मांगे कि आप दिखाओ आपका लैपटॉप कहाँ डैमेज है, तो मैं स्क्रीन का दिखाया। तो मेरा जो रिप्लेसमेंट का जो रीजन में गया था वो डैमेज में बना था। तो जब मेरा डैमेज में बना तो मेरे को रिप्लेसमेंट टाइम कोई भी टेक विजिट वगैरह नहीं हुआ था, क्योंकि जब आप डैमेज में बनाते हो तो आपका टेक्नीशियन विजिट नहीं होता है, क्योंकि आपका लैपटॉप डैमेज है तो वो फोटो के थ्रू प्रूफ ले लेते हैं और आपका लैपटॉप बिना टेक्नीशियन का रिप्लेसमेंट अप्रूव्ड हो जाता है और आपका प्रोडक्ट हो जाएगा आसानी से रिप्लेसमेंट। सो गाइज लेकिन एसर 114 लैपटॉप में काफी लोग ये कर रहे हैं कि मतलब रिप्लेसमेंट टाइम शटडाउन इशू बोल रहे हैं ना, तो वो लैपटॉप डिफेक्टिव के तौर पे हो जा रहा है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इशू की वजह से। मतलब डिफेक्टिव मतलब लैपटॉप में कुछ खराबी है अंदर से, तो उसके लिए टेक्नीशियन विजिट हो रहा, तो उनको रिप्लेसमेंट टाइम में भी टेक्नीशियन विजिट देखने को मिल रहा है। डैमेज के तौर पे बना था तो मेरा हो गया था रिप्लेसमेंट, तो मेरे को रिप्लेसमेंट वाला प्रोडक्ट 9 अक्टूबर को मिल गया था। 1 हैंड टू हैंड मेरा ओल्ड लैपटॉप लिया गया और न्यू वाला लैपटॉप मुझे पिकअप दे दिया गया रिप्लेसमेंट वाला। सो गाइस अब मेरे केस में क्या हुआ ना कि रिप्लेसमेंट वाला भी प्रोडक्ट में मुझे इशू आने लगा। सो गाइस आप देखोगे कि फ्लिपकार्ट पे मेंशन रहता है 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी, तो आपको तो मतलब जो आपको प्रोडक्ट दिया गया उसमें प्रॉब्लम है, आपको तो रिप्लेस करके दे दिया गया, लेकिन गाइस आपको रिप्लेसमेंट वाला में भी मतलब इशू आ रहा है, तब आप कंप्लेन करते हो तब आपको रिफंड दिया जाता है। तो गाइज मेरा रिप्लेसमेंट वाला भी प्रोडक्ट में मुझे प्रॉब्लम देखने को मिल रही थी शट डाउन इशू का बहुत ज्यादा, तो मैं कंप्लेन किया था। तो जैसे ही मैंने कंप्लेन किया तो गाइज इवन रिप्लेसमेंट ना होकर रिटर्न मेरा प्रोडक्ट का बना, तो वहां पे रिफंड वाला भी ऑप्शन आने लगा। सो गाइज अब मेरे साथ मुश्किल ये आई कि गाइज जैसे ही मैं फ्लिपकार्ट वाला को बोला तो अब आपको पता चलेगा यहाँ क्या क्या पॉलिसी चेंज हो गई है। सो गाइज बात ये है कि जैसे ही मैंने कंप्लेन किया गाइज, तो इस बार मैं बोला कि मेरा लैपटॉप शटडाउन प्रॉब्लम हो रहा है, तो शटडाउन प्रॉब्लम हो रहा है तो इस बार मेरा डिफेक्टिव के तौर पे रीजन के तौर पे बना, तो इस बार मेरा लैपटॉप में टेक्नीशियन विजिट हुआ। और जैसे ही टेक्नीशियन जो विजिट किए
मेरा लैपटॉप का, तो लैपटॉप वो चेक किया और उनके सामने मेरा लैपटॉप शट डाउन हुआ था, क्योंकि मैं जैसे ही नोवा बेंचमार्क एप्लीकेशन रन करता था मेरा लैपटॉप शट डाउन हो जाता था। तो सेम चीज मैं उनके पास किया तो वो देखे कि हाँ ये लैपटॉप शट डाउन हो रहा है, और जब जैसे ही एक बार तो उनके सामने मेरा लैपटॉप शट डाउन भी हुआ। तो आप ये प्रोसेस करके शट डाउन भी कर सकते हैं जिनके पास Acer 114 लैपटॉप है, आप एक बार ट्राई करना, तो ऑन द स्पॉट उनके सामने शट डाउन होगा लैपटॉप। तो मेरा ऑन द स्पॉट उनके सामने शट डाउन भी हुआ लैपटॉप, तो उन्होंने मतलब लिख दिया कि आपका लैपटॉप में SSD इशू है, सो आपका SSD बदल दिया जाएगा। लेकिन मैं उनको बोला अपने टेक्नीशियन को कि मुझे लैपटॉप में कुछ भी चेंज नहीं करवाना, मुझे लैपटॉप को रिटर्न करना, मुझे इसका रिफंड चाहिए। तो जो एसर से आए थे वो टेक्नीशियन बोले कि नहीं, मैं तो इसका रिफंड वगैरह नहीं कर सकता हूँ, आप बात कर लो मेरे सीनियर से, मैं रिफंड नहीं कर सकता हूँ। तो मैं उनको बताया कि अभी मेरा जो लैपटॉप है फ्लिपकार्ट का 7 डेज रिप्लेसमेंट पॉलिसी में है, तो मुझे इसका रिटर्न करना। तो जैसे ही मैं ये वाला बात उनको बोला तो वो बोले अच्छा ठीक है, एक काम करो आप यहाँ पे लिख दो। तो जैसा कि मैं पेपर भी आपको दिखा देता हूँ मैं क्या लिखा हूँ, तो मैं उस पर साफ तौर पर मेंशन कर दिया कि मैं इस लैपटॉप को फ्लिपकार्ट से बाय किया था, इसमें मुझे ऑटोमेटिक शटडाउन देखने को मिल रहा, मुझे इस लैपटॉप को फ्लिपकार्ट पे रिटर्न करना है। तो ये वाला टेक्नीशियन को मैं बोला तो वो लिख दिया, और वो वाला Case ID वाला जो कॉलकम लेटर इसका मैं इमेज ले लिया और वो चले गए, और साथ में मुझे अपना सीनियर का नंबर दे दिए, क्योंकि मैं उनसे काफी अच्छा से बात किया था कि भैया ऐसा ऐसा बात है, मैं पार्ट टाइम जॉब करता हूँ और मैं इस लैपटॉप को EMI पे लिया हूँ। अच्छा से उनसे बात किया, थोड़ा प्यार से बात किया उनको, उनसे थोड़ा इंटरेक्ट हुआ अच्छा से। तो उन्होंने मुझे अपना सीनियर का नंबर दिया, बोला कि आप मेरे सीनियर से बात करो, ये आपका ज्यादा हेल्प करेंगे। तो फिर मैं उनका सीनियर का भी नंबर ले लिया, और फिर जो मेरा टेक्नीशियन विजिट हुआ था ये वाला, मैं फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर पे कॉल करके वो वाला शेयर भी कर दिया अपने कस्टमर केयर को, ताकि मेरा टेक विजिट हो गया वो अपडेट हो जाए फ्लिपकार्ट पे। तो फिर मेरा टेक विजिट वाला भी बाद में अपडेट कर दिया गया, हालांकि ऐप में अपडेट नहीं शो हो रहा था, लेकिन उनका जब कस्टमर केयर वाला से बात हुआ तो वहां उन्होंने बोला कि आपका टेक्नीशियन विजिट अपडेट हो गया है, और अब आपको क्या करना, आपको DOA बनवाना पड़ेगा, तभी आपका लैपटॉप रिटर्न हो पाएगा। तो गाइज मैं DOA क्या होता है मैं आपको बता दूं, ये DOA क्या होता है गाइज, कि कोई भी लैपटॉप अगर डिफेक्टिव होता है तो DOA का मतलब होता है कि वो लैपटॉप वापस से कंपनी में जाएगी और उसके बदले आपको उसका रिफंड या रिप्लेसमेंट आपको दे दिया जाएगा, यही होता है। तो फिर गाइज ये पहले प्रोसेस नहीं होता था फ्लिपकार्ट में, क्योंकि जो सेलर बेच रहा है लैपटॉप वो लोग DOA बनाता था और अपना डिफेक्टिव लैपटॉप को कंपनी में भेजता था। लेकिन अभी क्या है गाइस कि DOA कस्टमर को ही मतलब बोल दिया गया है कि कस्टमर से ही DOA शेयर करवा लो, तभी आपका प्रोडक्ट रिटर्न होगा। तो ये अभी थोड़ा प्रोसेस ऐड हो गया है। तो फिर ये DOA कौन बनाएगा, तो ये DOA सर्विस सेंटर वाला बनाएगा। तो वो भैया जो मुझे सीनियर टीम का जो नंबर दिए थे टेक्नीशियन वाले, मैं उनके सीनियर को कॉल किया, उनसे रिक्वेस्ट किया, तो गाइस DOA काफी आसानी से वो लोग नहीं बनाते हैं। वो लोग बोले कि नहीं आपका DOA नहीं बनेगा, आप SSD चेंज करवाओ और अपना लैपटॉप को फिक्स करवाओ, आपका प्रॉब्लम सही हो जाए। क्योंकि गाइज मतलब सर्विस सेंटर वाला नहीं तुरंत DOA बनाने देना चाहते, वो सोचते कि इनका लैपटॉप को हम ठीक कर ही दे। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट किया गाइज, तो इसमें मेरा 7 से 10 डेज लग गया गाइज DOA मतलब बनवाने में, उनको भूलने में। तो अराउंड मेरा फिर 16 से 18 डेज लगा DOA मेरे पास आने में, तो 17 से 18 डेज लग गया गाइज मुझे मेरा हाथ में DOA बन के आने में। आप देख सकते हैं मैं DOA भी लगा दूंगा, आप देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ साफ तौर पे कि आप कस्टमर से फ्लिपकार्ट ऐप के थ्रू आप इसका रिटर्न और पिकअप कर सकते हो। तो मेरा फिर लैपटॉप का रिटर्न भी अप्रूव्ड हो गया, सेलर अप्रूव्ड कर दिया, DOA मैं जैसे ही फ्लिपकार्ट पे शेयर कर दिया। गाइज मैं हर चीज खुद से शेयर कर रहा था कॉल कर करके, इस तरह प्रोसेस थोड़ा फास्ट हो। अगर आप नहीं करवाएंगे तो फ्लिपकार्ट के थ्रू कनेक्ट किया जाएगा कंपनी में, फिर वो शेयर करेगा, इस तरह आपको ज्यादा वक्त लग सकता है। तो आप खुद से ही मतलब थोड़ा कॉल पे कनेक्ट रहना दोनों से, फ्लिपकार्ट से भी और Acer से, ताकि आपका प्रोसेस आप खुद से शेयर कर करके जल्दी कर लो। तो मैं ऐसे प्रोसेस किया था और मेरा 1 महीना के अंदर लैपटॉप का रिटर्न भी अप्रूव्ड हो गया था। सो गाइस अब मुश्किल मेरा ये आ रहा था कि मेरा लैपटॉप का रिटर्न तो अप्रूव्ड हो गया था, लेकिन 4 दिन हो गया कोई भी मेरा लैपटॉप को पिकअप ही नहीं करने आ रहा था।
और गाइज मेरा जो लैपटॉप बाय किया था, मैं बजाज EMI से बाय किया था, तो मैं बजाज के ऑफिस में भी गया पता करने, तो वो लोग भी मुझे ऐसा ऐसा बात बोल दी कि मैं भी डर गया था। बोल रहे थे कि आप लैपटॉप रिटर्न भी कर दोगे तो आपका लोन चलता रहेगा, आपको EMI भरना पड़ेगा। तो सो गाइज मतलब मेरा जाके फिर लास्ट में रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया गया कि क्योंकि पिकअप नहीं हो पाया था, और फिर मैं भी कैंसिल कर दिया, तो मेरा रिटर्न हो गया वहां से रिजेक्ट। सो इस तरह करके मेरा नहीं हुआ था, लेकिन अगर मैं उस टाइम करता तो मेरा हो जाता प्रोसेस रिटर्न। तो फिर गाइज ये प्रोसेस मेरा 30 अक्टूबर को कैंसिल हो गया था। फिर एक महीना मैं कुछ भी एक्शन नहीं लिया, मैं हार चुका था कि मेरा लैपटॉप रिटर्न भी होगा क्योंकि मैं फाइनेंस से लिया हूँ। और उसके बाद मैं जब ट्राई किया फिर से फ्लिपकार्ट के ऐप पे कॉल किया, तो उन्होंने भी बोलने लगे कि अब आपका टाइमलाइन खत्म हो गया, अब आप रिटर्न नहीं कर सकते हो, आपका कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, आपका रिप्लेसमेंट पॉलिसी खत्म हो चुका है। तब मुझे कुछ समझ में नहीं आया गाइस। फिर 20-25 दिन ऐसे ही निकल गया, मैं लैपटॉप का SSD चेंज करवा लिया, बैटरी चेंज करवा लिया, फिर भी इस लैपटॉप में प्रॉब्लम आ ही रहा था, फिक्स नहीं हो पाया, तो भी मेरा नहीं हुआ गाइस। तो फिर जाके मैं फ्लिपकार्ट को ट्वीट किया फ्लिपकार्ट सपोर्ट में कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम मेरा लैपटॉप में अभी भी शट डाउन हो रहा है, ये प्रॉब्लम है, मैं DOA वगैरह भी बनवा चुका हूँ, मेरा लैपटॉप को रिटर्न नहीं लिया गया, मेरा लैपटॉप को पिकअप नहीं किया गया। मतलब मैं उनको बोला, ये मैंने बोला कि मैं खुद से कैंसिल किया था, ये वाला बात मैंने नहीं बोला, सिर्फ ये बोला कि 4 दिन हो गया था लैपटॉप पिकअप नहीं हुआ, तो मेरा प्रोडक्ट मेरा रिटर्न को रिजेक्ट कर दिया गया, प्लीज मेरी मदद करें, मेरे पास DOA वगैरह सब है। तो फिर से ये सोशल मीडिया टीम है, उनके पास एक अथॉरिटी रहती है कि आपकी जो कोई भी पुराना केस उसको रीओपन कर सकती है, और ये चीज फ्लिपकार्ट में जो कस्टमर केयर उनके पास अथॉरिटी नहीं रहती है। तो फिर सोशल टीम को मैं जब फ्लिपकार्ट पे ट्वीट किया, तो ट्वीट से मेरा ये हेल्प मिला कि मेरा केस को रीओपन किया गया, और फिर से मैं वही रिफंड वाला बात किया कि मैं बजाज फाइनेंस से लिया हूँ, क्या मेरा रिफंड होगा, तो उन्होंने बताया कि हाँ हो जाएगा। सर अच्छा लगा कि चलो रिफंड तो हो जाएगा। फिर से मैं 12 दिसंबर को मेरा केस रीओपन किया, सोशल मीडिया टीम द्वारा रीओपन किया गया, और इस बीच फ्लिपकार्ट का जो कस्टमर केयर होता वो कोई भी हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उनके पास कोई भी अथॉरिटी नहीं थी। मैं कॉल किया था क्योंकि मेरा प्रोसेस में लेट हो रहा था, तो मैं कॉल भी किया था, तो वो लोग कुछ हेल्प नहीं कर पा रहे थे क्योंकि बोल रहे थे मेरे पास ये अथॉरिटी ही नहीं है, वो सोशल मीडिया टीम के पास ही हाई अथॉरिटी रहती है। तो फिर सोशल मीडिया टीम मेरा हैंडल किया, उसके बाद गाइस मेरा प्रोडक्ट का रिटर्न अप्रूव्ड हुआ। 10 से 12 दिन फिर लग गया, और उसके बाद तुरंत ही मेरा प्रोडक्ट का पिकअप हुआ। 3 बजे मेरा रिटर्न अप्रूव्ड हुआ था, और 5 बजे तक मेरा प्रोडक्ट पिकअप भी हो गया, मतलब रिफंड भी मतलब प्रोसेस में डाल दिया गया। यार आप देख सकते हैं अभी मेरा रिफंड प्रोसेस में है। तो ऐसे मैंने अपना प्रोडक्ट को रिटर्न किया था। इस बीच गाइज मैं कंज्यूमर फॉर्म वाले जो आते हैं, जागो ग्राहक जागो, उस पर भी मैं कंप्लेन किया था, तो वहां से भी कुछ मदद मिला, कुछ ट्विटर का हेल्प से भी मिला गाइज। तो गाइज अभी कॉस्टली प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट पर रिटर्न करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप ये वाला प्रोसेस करोगे तो आपका हो जाएगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होगा तो आप मुझे बोलना, मैं आपका जरूर हेल्प करूंगा। सो गाइज ये था कि बात ये था कि गाइज आप कैसे 2.5 महीना बाद भी मतलब आप कर सकते हो रिटर्न। तो एक वर्ड में मैं आपको बता देता हूँ गाइज, अगर आप कोई भी लैपटॉप बाय किए हो और 7 डेज के अंदर आप कंप्लेन किए हो, आपका कोई केस बना है रिटर्न का, तो अगर वो केस बना है आपका रिटर्न का, तो अगर आप फ्लिपकार्ट कस्टमर केयर को कॉल करते हो तो वो अगर आपको बोलते हैं आपका टाइमलाइन खत्म हो गया, लेकिन आपके थ्रू नहीं हुआ था, उन लोग ही इतना टाइम लगाया और उसके बाद ही सेलर के तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, फ्लिपकार्ट के तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, और उसके बाद बोला जा रहा है कि अब आपका टाइमलाइन खत्म हो गया, तो आप एक बार फ्लिपकार्ट पे ट्वीट करो सोशल मीडिया टीम के पास ये अथॉरिटी रहती है कि आपका वो केस को रीओपन करे, तो आप 2 से 2.5 महीना 3 महीना बाद भी अपना केस को रीओपन करवा के अपना प्रोडक्ट रिटर्न करवा सकते हो फ्लिपकार्ट ऐप पे। तो ऐसे आप फ्लिपकार्ट ऐप पे इतना दिन बाद भी आप प्रोडक्ट को रिटर्न करवा सकते हो आपका पॉलिसी खत्म होने के बाद भी। लेकिन इम्पोर्टेंट बात क्या है कि 7 डेज के अंदर आप कभी भी कंप्लेन किए हो, आपका कोई केस आईडी हो, तभी रीओपन होगा। अगर आप 7 डेज के अंदर कंप्लेन कभी नहीं किए थे कि आपको प्रोडक्ट से दिक्कत है, तो फिर आपका कोई केस ही नहीं है, तो फिर आपका रिटर्न नहीं होगा फ्लिपकार्ट पे। तो ये था गाइस फ्लिपकार्ट का पूरा प्रोसेस कि कैसे आप 2 से 2.5 महीना बाद भी कैसे लैपटॉप को रिटर्न कर सकते हैं।
तो गाइज मैं आपको बता रहा था कि दूसरा प्रोसेस था कि अगर आप 7 डेज के अंदर कंप्लेन नहीं भी किए हो तो आप कैसे रिटर्न कर सकते हैं 1 साल के अंदर। सो गाइज वो वाला प्रोसेस के लिए मैं पार्ट 2 वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो चुका है, क्योंकि मैं काफी अच्छे से डिटेल में बताया हूँ फ्लिपकार्ट पे आप कैसे रिटर्न कर सकते हो। इस वजह से इतना डिटेल में बताया कि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो गया है, तो मैं पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा और डाल दूंगा, दूसरा प्रोसेस भी पूरा बता दूंगा। तो गाइस चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिएगा और वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल का बेल नोटिफिकेशन आइकन भी ऑन करके रखिएगा ताकि मेरी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच पाए। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।